हेलो फ्रेंड्स, नंदनी कुक में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे आलू से मजेदार नाश्ता बना रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और आप इसे झटपट बना सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 3 आलू लिया है। अब हम इसका छिलका निकालेंगे। आलू को मैंने छील लिया है, अब हम इसे ग्रेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ ग्रेटर लिया है, तो हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। हमें इसे लंबा लंबा ग्रेट करना है। आलू ग्रेट हो गए हैं, तो हम इसे साफ पानी से धो लेंगे। अब हम इस आलू को निकाल करके दूसरे बाउल में रखते हैं। अब हम इसे दोबारा एक बार और धो लेते हैं, इससे इसका स्टार्च पूरी तरह से निकल जाएगा। अब हम इसे छान लेंगे। हम इसे प्रेस करके इसका पूरा पानी निकाल लेते हैं। इससे पानी पूरी तरह से निकल गया है, तो हम इसे बाउल में डालेंगे। अब हमें इसमें हल्दी पाउडर, मैंने यहाँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, टेस्ट के अनुसार नमक, हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पाउडर, आप इसकी जगह लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, अदरक पाउडर, बारीक कटी धनिया पत्ती, आमचूर, मैंने यहाँ 2 छोटा चम्मच आमचूर लिया है। अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। हम यहाँ 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डाल रहे हैं, 1 बड़ा चम्मच कॉर्न फ्लोर। अब हमें इसे मिक्स करना है। मिश्रण हमारा तैयार हो गया है, तो हम इसे पकोड़े की तरह बनाकर इसे तल लेंगे। मैंने यहाँ तेल गर्म कर लिया है, अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। अब हमें इसे दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से पकोड़ा गोल्डन हो गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। हमें इसे बहुत तेज आंच में नहीं बनाना है, हमें फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। हम बाकी बचे पकोड़े भी इसी तरह से तल लेंगे। कच्चे आलू के क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं, तो आप इसे अपने पसंद की चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।